अस्सलाम वालेकुम क्लास टू बेटा, टुडे टॉपिक हैप्पी फेसेस। ठीक है, आपको डेट लिखना है, हैप्पी फेस लिखना है। ठीक है, पेज नंबर 11। नीड दिस थिंग, पेंसिल, रेजर, रूलर। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वर्क, हैप्पी फेसेस। ओके, बेटा हाउ टू ड्रॉ अ फेस। फर्स्ट वी नीड बैंगल या एनी सर्कल शेप या कंपास। ठीक है, टू ड्रॉ द सर्कल, हमें सर्कल ड्रॉ करने के लिए किसी भी सर्कल शेप यानी के बैंगल, चूड़ी या कंपास की जरूरत पड़ेगी। घर में सब बच्चों के पास चूड़ी अवेलेबल होती है? ठीक है, अवेलेबल होती है ना चूड़ी, तो आपको चूड़ी यूज करनी है। ठीक है, बैंगल यूज करना है। आपने सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल को ड्रॉ करने के बाद इसको सेंटर से कट कर दिया। देखें, इसके फोर पीस हो गए हैं, 1 2 3 4, जैसे पिज्जे के पीसेस होते हैं, लाइक दिस। ठीक है ना, हर पीस जो है वो ट्राइंगल शेप में है। ठीक है, अब देखें, आपको इस फोर पीस को यहाँ देखें, इन फोर पीस पे देखें, आपने राइट और लेफ्ट पे आइज ड्रॉ करनी है। ये हमने आईज ड्रॉ कर दी। सबसे पहले हमने सिंपल लाइन ड्रॉ की है, उसके ऊपर सर्कल ड्रॉ किया है, हमने ओवल शेप में बनाया है आईज। आप सर्कल शेप में भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आई बॉल आपको बिल्कुल राउंड बनाना है, आईज आप सर्कल कर सकते हो या ओवल, लेकिन आई बॉल बिल्कुल सर्कल होने चाहिए। ठीक है, मार्किंग शेप में इनकी आईब्रो है, कट शेप में आईब्रो, ये देखें, स्ट्रेट एंड डाउन, यानी के कट शेप में आईब्रो इनकी, स्ट्रेट एंड डाउन। ठीक है, नोज इनकी पॉइंटेड शेप में है, ये देखें, इन्होंने आप ये इस तरीके से कहने, एट हाफ एट शेप होता है ना, हम एट बनाते हैं, ड्रॉ एट, एट शेप में भी बना सकते हैं। लिप्स देखें, लिप्स इनके किस तरीके से ड्रॉ है, आपको ऊपर की जानिब सर्कल ड्रॉ करना है, उसको रिमूव कर देना, सर्कल के नीचे आपको इसको ज्वाइन कर देना है हाफ सर्कल। ठीक है, यहाँ से कर्व लाइन ड्रॉ करनी है, सर यानी कि आपको हाफ मून ड्रॉ करना है, एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी, कर्व लाइन के नीचे आपको ज्वाइनिंग लाइन करनी, यू शेप में कर ले आप, किसी भी शेप में कर ले, यू शेप ज्यादा बेटर है। और यहाँ पे आपको एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है क्लोजिंग पॉइंट पे। ठीक है, ये तो आपके आईज, नोज और लिप्स ड्रॉ हो गए। ठीक है, अब ऊपर की तरफ किस तरीके से, आपको ऊपर की जानिब देखे, जहां पे आपके जो है ना लाइंस ड्रॉ हुई हुई है, आपको इसका वन थर्ड लेना, वन थर्ड है यार, किस तरीके से, यहाँ से सेंटर से आपको इधर से देखिए, यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखाई, सेंटर पे लाके यहाँ आप कर्सर को देखिएगा बेटा, फोकस ऑन माई कर्सर, ये जो आप एरो है, आप एरो को गौर से देखिए, यहाँ पे आपको पेंसिल लाके एक इस तरफ से आपको कर्व लाइन ड्रॉ करनी, अंदर की जानिब से यहाँ तक सेंटर तक लेके आनी है, और एक यू राउंड में लेके आनी है, एक जरा वेविंग में जाएगी और एक पूरी राउंड आएगी। ये देखो, उधर आ गई मैं, वेविंग में गई और यहाँ से राउंड में गई। ठीक है, अब जो सर्कल है उसके ऊपर जाइए, उसके ऊपर जाके लाइन ड्रॉ कर दीजिए, सिंपल दोनों तरफ लाइन ड्रॉ करके सेंटर पे लाके क्लोजिंग कर दें, जहां पे आपने हेयर क्लोज किए वहां से आप क्या करेंगे, आपको सिंपल क्या करना है, वेविंग करते हुए सर्कल करना है, हल्के से टेढ़े मेढ़े, और फिर अंदर की जानिब से आपको कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। आप चाहें तो पॉइंट और कर सकते हैं, एक दो पॉइंट्स और ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद देखिए, नेक पे दोनों तरफ कर्व लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये आपके कार्टून फेसेस हो, हैप्पी फेसेस हो गए। क्या है ये, हैप्पी फेसेस। ठीक है, आपको हैप्पी फेसेस कितने ड्रॉ करने, ये आ गए आपके हैप्पी फेसेस, यहाँ तो बहुत सारे हैप्पी फेसेस है भाई, हेयर भी डिफरेंट स्टाइल के, अरे भाई इसमें तो पोनी भी लगाई हुई है, वाओ, ये हैप्पी है, ये गुस्से में थोड़ी, ये सैड है, ये तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं, ये शॉकिंग में कुछ पूछना चाह रहे हैं लग रहा है, ये हैरत ज्यादा है, शॉक है, ये चिल कर रहा है बंदा, ये बिल्कुल किसी को खा जाएंगे भाई, बिल्कुल गुस्से में भाई, बहुत ज्यादा गुस्से में भाई, क्यों गुस्से में,
क्यों गुस्से में इतने? देखें ये आपके पास, आपको फेस ड्रॉ करना मैंने सिखा दिया है, ठीक है? फेस ड्रॉ करना हर बच्चे को आता है, और फेस इसी स्टाइल से ड्रॉ करना, यहाँ पे भी देखें, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल के बाद दोनों तरफ एयर ड्रॉ कर दिए, एयर ड्रॉ करने के बाद आईज के सर्कल ड्रॉ किए, नोज इन्होंने ओवल शेप में, और ये उल्टा सर्कल ड्रॉ कर दिया, यानी कि मून को अपोजिट कर दिया, तो ये सैड हो गया। इसको पलट देंगे तो ये स्माइल हो जाएगी, स्माइलिंग फेस हो जाएगी। थोड़ा सा इसको तिरछा कर देंगे तो एंग्री फेस हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये यहाँ पे राउंड सर्कल कर देंगे तो हैरस ज्यादा शॉकिंग फेस हो जाएगा। थोड़ा सा चिल करेंगे, मुंह पे खोलते चिल बंदा आएगा, ठीक है ना? यहाँ पे जिगजैग बना देंगे मुंह में तो बहुत ज्यादा एंग्री बंदा आ जाएगा, ठीक है ना? क्लियर? बाल कैसे बनेंगे ये देखें, जैसे मैंने बताया था आपको, मार्किंग करके यहाँ से कर्व लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से कर्व लाइन ड्रॉ करनी है, एयर इसके आप सर्कल्स में कर दें, ठीक है? ये देखिए कैप पहना दी मैंने ऐसे, ठीक है? सिंपल मैंने यहाँ भी सर्कल किया, आई भी सर्कल कर दी, नोज मैंने पॉइंटेड कर दिया, ये ओपन फेस कर दिया, ट्रायंगल ट्रायंगल से ओपन फेस बना दिया मैंने, कैप पहना दी मैंने, और यहाँ पे मैंने दोनों तरफ ट्रायंगल कर दिया तो ये नेक शेप आ गया, नेक शेप कॉलर शेप आ गया, ठीक है ना? ये देखिए मैंने इसको एंग्री फेस कर दिया, थोड़ा सा इसके बाल थोड़े से खड़े कर दिए मैंने, अच्छा लग रहा है ना? ये देखिए ये सारे फेस आपके आ गए, पेज नंबर 9 पे है आपके, ठीक है? यूज बैंगल और ग्लास फॉर मेकिंग फेस, ठीक है? ड्रॉ टू फेस इन होमवर्क, ठीक है? अच्छा बेटा, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, ग्राफ किस तरीके से बनाना है बेटा? ग्राफ की मेजरमेंट मैंने आपको बताई, 7x4 राइट टू लेफ्ट 4 बॉक्स, ठीक है? अप टू डाउन 7 बॉक्स, ईच बॉक्स 1 सेंटीमीटर, ठीक है? ड्रॉ अ वन, वन ड्रॉ करना है सेंटर में, पहले भी बता चुकी हूँ आपको, 1 2 3 4, जो आपको 3 कॉलम है इस पे आप पूरा बॉक्स लेंगे, और वन के सेकंड बॉक्स से कट, वन बॉक्स को कट करेंगे और सेकंड बॉक्स पूरा लेंगे, ये आपका वन ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है? दोबारा बता रही हूँ, 1 2 3 4, थर्ड बॉक्स पूरा ले लेंगे, यहाँ से जो सेकंड बॉक्स है वो पूरा, और वन बॉक्स हाफ लेंगे, ठीक है? टू, यहाँ देखिए टू कैसे ड्रॉ हुआ बेटा, ये देखिए यहाँ से 3 कॉलम लिए, 2 पूरे लिए, यहाँ से थर्ड और सेकंड पूरा लिया, फर्स्ट हाफ लिया, यहाँ से सेकंड और थर्ड पूरा कॉलम लिया है हमने, बॉक्स लिए, और फोर्थ हाफ लिया है, यहाँ से 1 2 3 पूरे लिए हैं, 5 जो है हाफ लिया है, 6 एम्प्टी है, 7 बॉक्स हमने पूरा लिया है यहाँ से, ठीक है? फिर हम ऊपर की जानिब गए और ये हमने मूव कर दिया, यहाँ से ये हम पूरे लेके गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हाफ गए, और फिर हमने यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आपको 4 बॉक्स एम्प्टी छोड़ने, 1 2 3 4 5 6, ये बॉक्स एम्प्टी छोड़ने, बाकी को आपको इसको राउंडिंग स्क्वायर में मूव करना है, राउंड स्क्वायर में मूव करना है, ठीक है? ये देखें यहाँ से मैं चली, 1 2 3 4, आप इन पे डॉट्स डालते जाएं, इन बॉक्सेस पे डॉट डालते जाएं, वन पे डालें, यहाँ पे डालें, ये आपका थर्ड बॉक्स है, सेकंड, और ये फर्स्ट हाफ कर लें, ये पूरा आएगा, डॉट डालती जाए, ये हाफ आएगा, ये फुल 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 हाफ, इसको कट कर दें मेरे साथ साथ, कट कर दें, फिर ये फुल जाएंगे आपके, फुल जाएंगे, यहाँ से जरा सा मूव करेगा, हाफ मूव कर ले, ये फुल जाएंगे, यहाँ से पूरी स्ट्रेट लाइन जाएगी आपकी, यहाँ से मूव कर दे, ठीक है? इजी, अच्छा ये मैंने आप लोगों को, आप लोगों की
यानी कि हेल्प के लिए मैंने आप लोगों को अल्फाबेट पिक्चर्स भी सेंड किए हैं, ठीक है। कंप्लीट द ग्राफिकल नंबर 1 2। वन टू एंड लेटर सी एंड डी। अब सी डी पे हम दोबारा आएंगे, ये देखिए सी डी पे देखिए बेटा सी डी कैसे बना है। हमारे पास ग्राफ है 1 2 3 4, ठीक है ना। यहाँ से 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से जो फर्स्ट बॉक्स है ये हाफ लेना और यहाँ से कॉर्नर वाला फोर बॉक्स हाफ लेना है, ठीक है। ये पूरा ले लिया आपने, यहाँ से राउंड किया, ये स्ट्रेट जाएगा आपका, यहाँ से एक बॉक्स आप फुल लेंगे, बाकी स्ट्रेट आप लेके जाएंगे, ठीक है। आपने इसको मूव कर दिया। डी को इसी तरीके से बनाना है, पूरा फुल आपने लिया पहला कॉलम, ठीक है। आपने डबलिंग की, कॉर्नर आपने इसके हाफ ले लिए, और पूरा वन बॉक्स जो है आपने स्क्वायर में इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, कंप्लीट द ग्राफिकल नंबर 1 2 एंड लेटर सी डी, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक पिक्चर आ रही है प्रिंटिंग की, प्रिंटिंग की पिक्चर्स आ रही है बेटा आपके पास। आपके पास बेसिक टेक्निक्स आ रहा है बेटा कि आपको प्रिंटिंग करनी है, टेक्निक प्रिंटिंग, ठीक है ना, कि किस तरीके से हम प्रिंटिंग करेंगे। प्रिंटिंग के लिए हमें चीजें चाहिए बेटा, इंक किस घर में अवेलेबल होता है, ब्लू इंक भी होती है, ठीक है ना। आप प्रिंटिंग किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से पेंटिंग कर सकते हैं बेटा। हम पेंटिंग और प्रिंटिंग जरूरी नहीं है कि हम पोस्टर कलर से करें या हम ब्रश यूज करें या हम कोई और चीज करें। हम हाथ के इस्तेमाल से भी प्रिंटिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, हम कॉइन से भी प्रिंटिंग और पेंटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने फिंगर प्रिंटिंग की है, फिंगर प्रिंटिंग की है हमने यहाँ पे। हमने ब्लू इंक घर में, हर के घर में होता है ब्लू इंक, रॉबिन नील होती है, फूड कलर्स होते हैं। हमने उसे अपने फिंगर पे यानी कि थंब पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद उसे लेफ्ट राइट अप डाउन यानी कि 5 पेटल्स बना लें। आप थंब को प्रेस करें अपनी कॉपी पे ड्राइंग की, ठीक है ना। अंगूठे से आपके फ्लावर बनेगा और आपकी जो छोटी वाली कानी उंगली जो होगी, सबसे लास्ट फिंगर जो होगी, उससे आप स्टेम और लीफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये देखिए जो चीजें हमने यूज की है इसके लिए, ये देखें। अच्छा, जिन बच्चों का होमवर्क कंप्लीट है वो काइंडली मुझे अपना काम शो करेंगे। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट टाइम दोबारा मैं किसी और अच्छी टेक्निक के साथ आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है।